नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिन्हें दुश्मन कभी नहीं जीत सके। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो कभी हार नहीं सके। आज हम आपको उन्हीं विजेता देशों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। इस लिस्ट में जो देश पहले नंबर पर आता है उसका नाम है इजराइल। इजराइल मिडल ईस्ट का सबसे महत्वपूर्ण देश है। मुस्लिमों के 56 देश भी मिलकर इजराइल को हरा नहीं सके और आज तक इस छोटे ताकतवर देश पर हमला करने से डरते। कई राजनीतिक और रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो इजराइल के बारे में उन्होंने कहा है कि किसी भी दुश्मन देश को इजराइल की आर्मी से पार पाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि इजराइल काफी लेटेस्ट और खतरनाक हथियारों से लैस है और दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद उसके पास है, जो किसी भी दुश्मन देश की रणनीति को हमला करने से पहले ही जान जाता है और फिर उसकी पोल खोल देता है। इजराइल के पास 170,000 सैनिक हैं, लेकिन इजराइल में रहने वाले सभी लोगों को सैनिक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और हर आदमी को 3 साल तक सेना में रहना ही पड़ता है। इसके साथ ही साथ इजराइल को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका का समर्थन हासिल है। इजराइल दुनिया के सबसे खतरनाक मिलिट्री डिफेंस सिस्टम को डेवलप किया है जो इजराइल को सुरक्षित रखता है। इजराइल पर अगर कोई दुश्मन देश हमला करता है तो उससे पहले ही इजरायली रॉकेट उस पर हमला करके खत्म कर देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल की ताकत क्या है और क्यों कोई भी देश उस पर हमला नहीं कर सकता। अब दूसरे नंबर पर जो देश आता है उसका नाम है रूस। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है और दुनिया के खतरनाक से खतरनाक हथियार रूस के पास है। कहा जाता है कि नेपोलियन और हिटलर जैसे लीडर भी अपने जमाने में रूस पर हमला करने की कोशिश नहीं कर सके, तो आज के लीडर क्या खाक करेंगे। इसके साथ ही साथ रूस का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ों और जंगलों के अलावा समुद्र है। यही कारण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दुश्मन देश ने रूस पर हमला तो कर दिया लेकिन जीत हासिल नहीं कर सका। इस वक्त रूस दुनिया का दूसरा शक्तिशाली देश है और दुनिया के खतरनाक हथियार और मिसाइल पेटन टैंक उसके पास है। इस वजह से रूस से जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नेपाल। नेपाल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा। यही कारण है कि अंग्रेज भारत पर हमला कर जीत हासिल कर, लेकिन जब नेपाल को हराने के लिए चढ़ाई करते नेपाल द्वारा हार का सामना करना पड़ता। उसका कारण यह था कि कोई भी दुश्मन नेपाल को हराने के पहले ऊंचे पहाड़ को पार करेगा, फिर नेपाल का सामना करेगा, लेकिन उससे पहले पहाड़ की ऊंचाई पर बैठे नेपाल के सैनिक नीचे से चढ़ रहे दुश्मन को गिरा देते, जिससे उनका ऊपर आना मुश्किल हो जाता और वो हार जाते। इसके साथ ही साथ नेपाल एक शांतिप्रिय देश जिसकी दुश्मनी कम दोस्ती ज्यादा है, इसीलिए कोई भी देश नेपाल पर हमला नहीं करता। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों नेपाल को अंग्रेज जीत नहीं सके। अमेरिका। अमेरिका दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो जो चाहता है वही करता है और आज उसकी बात दुनिया के देश सुनते हैं। दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक, रक्षा उपकरण, पैसा, बेहतर रणनीति, बेहतर सैनिक, बेहतर युद्धपोत, खतरनाक लड़ाकू विमान और न जाने क्या क्या जो अमेरिका को महान बनाते हैं और उसकी ताकत में इजाफा करते हैं। आज अमेरिका के खतरनाक हथियार दुनिया के सभी देशों में इस्तेमाल होते हैं और आज दुनिया पर अमेरिका की बादशाहत कायम है। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका को क्यों नहीं हराया जा सकता और क्यों दुनिया पर आज की डेट में अमेरिका राज कर रहा है। कनाडा। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले देश कनाडा को तो आप जानते ही होंगे। कनाडा के पास लगभग 1 लाख सैनिक है। कनाडा को अपनी सुरक्षा के लिए आर्मी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कनाडा के पास 2 अपॉर्चुनिटीज हैं। पहला अमेरिका पड़ोसी और दूसरा कनाडा की जलवायु, क्योंकि अगर आप कनाडा पर हमला करते हैं तो आपको सबसे पहले बर्फीली हवाओं और हजारों फीट जमी बर्फ को पार करना होगा, फिर कहीं जाकर कनाडा से मुलाकात होगी।
लेकिन दुनिया का कोई भी सैनिक माइनस डिग्री की ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसके बाद कनाडा के सैनिकों के पास पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देता। यही कारण है कि कनाडा पर कोई आज तक हमला नहीं कर पाया और हरा नहीं सका। तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया के 5 शक्तिशाली देशों को कोई ताकतवर देश क्यों नहीं हरा सका।